लोकेशन पे है, मतलब भरतूर के आसपास ही है ये, लाइक ऐसा लोकेशन है ना नियर टू भरतूर एंड साजापुर। और ये वाला रेडी टू मूव है। हाँ, तो ये थोड़ा लग्जरी टाइप का बनाया है, थोड़ा देखते हैं। एक्चुअली मुझे वो वाला पे जाना था, बट जो कि इनका अभी कंप्लीट हो गया है, कैसा है लाइक सब कुछ फिटिंग्स वगैरह, लाइक सब कुछ अभी पता चल जाएगा ना, पूरा प्रॉपर्टी ही रेडी है तो ज्यादा आइडिया मिल सकता है। हम लोग डायरेक्टली फ्लैट भी देख सकते हैं, मॉडल फ्लैट नहीं देख के। और एक प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए जो कि एक काफी प्राइम लोकेशन पे है, मतलब भरतूर के आसपास ही है ये, लाइक ऐसा लोकेशन है ना नियर टू भरतूर एंड साजापुर। एंड इस प्रॉपर्टी का नाम जो है अभि नक्षत्र, बट हाँ ये वाला जो प्रॉपर्टी आज हम जा रहे हैं ऑलमोस्ट एक रेडी टू मूव हो चुका है, राइट? यस। पोजीशन मिल गया है, मिलने वाला है, पोजीशन मिल गया है शायद, देखिए मतलब वो तो बोला कि रेडी टू मूव है, रेडी टू मूव है, बट या शायद पोजीशन मिल गया होगा कि मिलने वाला है जस्ट। हाँ, बट ऑलमोस्ट कंप्लीट आई थिंक मिल गया है या फिर इसी बीच मिलने वाला है, वो मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे। उनका दो प्रोजेक्ट एक्चुअली हम लोग देखे थे, एक अभी सिलिकॉन एंड अभी नक्षत्र, राइट? सिलिकॉन 23 दिसंबर, राइट? मुझे वो वाले पे जाना था, बट जो कि इनका अभी कंप्लीट हो गया है, दैट्स व्हाई वी थॉट कि देख लेते हैं पूरा प्रोजेक्ट कैसा है, लाइक सब कुछ फिटिंग्स वगैरह, लाइक सब कुछ अभी पता चल जाएगा ना, पूरा प्रॉपर्टी ही रेडी है तो ज्यादा आइडिया मिल सकता है। हम लोग डायरेक्टली फ्लैट भी देख सकते हैं, मॉडल फ्लैट नहीं देख के डायरेक्टली फ्लैट भी देख सकते हैं, जो भी रहेगा 2 BHK 3 BHK। एंड मुझे इसका स्पेशली जो फ्लोर प्लान है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि इस पे ना जो आपको 2 BHK है उसमें तीन बालकनी का भी जो फ्लोर प्लान वैसा वाला भी है, कुछ कुछ में दो है, कुछ कुछ में तीन बालकनी विथ यूटिलिटी है, मतलब सबसे बड़ा पॉइंट है मेरा जो मेरे को चाहिए था वुडन फ्लोरिंग, राइट? हाँ, वो भी है। को बहुत लाइक पसंद है कि बेडरूम पे एक तो वुडन फ्लोरिंग होना चाहिए, तो वो भी है। तो उसी हिसाब से जो प्रॉपर्टी का लोकेशन एंड प्राइस सब कुछ लाइक बहुत ही बढ़िया है, बट हाँ हमारे लिए एक डिमेरिट है कि ये रेडी टू मूव है, बट लेट्स सी, हम एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है। इट्स ए लग्जरी अपार्टमेंट, राइट? तो मतलब चलो देखते हैं, वहाँ पर पहुँच के हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब क्या प्राइस है क्या नहीं, एंड पूरा जो प्रॉपर्टी का टूर भी अगर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है मैं वो करवा लूंगी, एंड या फ्लोर प्लान तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस चलो चलते हैं, बट गाइस अगर उससे पहले आपने चैनल पे नहीं हो प्लेयर विजिट कर रहे हो देन मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको अच्छी लगे हेल्पफुल लगे देन वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ये जो रोड पे हम लोग जा रहे हैं ना, ये हम भी पहली बार आ रहे हैं, पहला इस रोड पे कभी नहीं आए, राइट? हाँ, मतलब भरतूर से थोड़ा राइट लेके आना पड़ेगा अंदर। हाँ, यहाँ पर यहाँ पे एसेट्स ओरा बोल के देखे, यहाँ पर यही तो राइट। ओके ओके, यहाँ से राइट लेना है। ओके ओके, तो हम पहुँचने वाले ही हैं। यहाँ पर एक बैसनो वाला बैसिनो एक्सेलेंसी, बैसिनो एक्सेलेंसी, ये तुम देखे थे शायद ना? हाँ, राइट राइट, ये भी मैंने देखा था। ओके ओके, तो ये भी यहीं पे ही हो रहा है, राइट? पास में ही। यहाँ पर एक स्कूल भी है। रोड वगैरह बहुत मस्त है, आपको भरतूर पे जो कैंडियर लैंडमार्क है जस्ट उसके जस्ट आगे जस्ट राइट लेना है, एंड बस उससे जस्ट 3 किलोमीटर, मतलब उससे राइट लेके फिर लेफ्ट लेना है। हाँ, एंड 3 किलोमीटर वहाँ से, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कितना लोकेशन कितना अच्छा है, थोड़ा अंदर है। चलो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए, चलते हैं। रोड थोड़ा छोटा है, नहीं अभी तक काम नहीं हुआ है, हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ये है वो प्रॉपर्टी जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बट इसका सोसाइटी का काम अभी भी चल रहा है, लाइक गार्डनिंग वगैरह जिम वगैरह उसका काम चल रहा है, बट हाँ कुछ कुछ लोगों को की डिलीवर हो गया है, मतलब ऑलरेडी 5-6 फ्लैट्स मतलब फैमिली यहाँ पे रहने लगे हैं, तो ऐसा है। एंड इस पे जो है ज़्यादा फ्लैट नहीं है, ये जैसे कि मैंने बोला था ये G+4 है, एंड इसमें जो फ्लैट्स है अराउंड कुछ 70 के आसपास फ्लैट्स हैं, एंड ये आप देख सकते हो सोसाइटी का जो मतलब कैसा सोसाइटी है, बहुत बड़ा भी नहीं है बट ओपन स्पेस है, लाइक वॉकिंग वगैरह करने के लिए उतना स्पेस तो है, तो ये हो गया। एंड चलो अभी हम उनके जो CP है उनके साथ थोड़ा बात करते हैं, एंड फिर जो मॉडल हाउस है एंड मॉडल फ्लैट एंड बाकी कुछ कुछ अगर घर का होगा तो पॉसिबल वो भी मैं एक दो फ्लैट आप लोगों को दिखा लूँगी ताकि आइडिया हो जाए थोड़ा आप लोगों को। Yes, yes. Okay. Starting 1040, keep on 1076.
These are not available. Like which balcony in the master bedroom? This flat. 1345. Only one flat is तो चलो अभी चलते हैं मॉडल फ्लैट्स देखने। फॉर्मेलिटी वगैरह सब कुछ हो गया एंड यहाँ पे अभी फिलहाल ज़्यादा फ्लैट्स बचा तो नहीं है, कुछ 8-10 लगभग फ्लैट्स बचा है। तो ये पहले हम मॉडल फ्लैट देख लेंगे। तो एंटर करते ही सामने ये पूरा लिविंग रूम आ रहा है एंड बड़ा सा एक एल शेप का सोफ़ा आराम से इजिली आ रहा है एंड उसके फ्रंट पर ही एग्जैक्टली ये हो गया टीवी यूनिट एंड एग्जैक्टली उसके फ्रंट पर आएगा आपका जो डाइनिंग एरिया है एंड जो लिविंग रूम का साइज़ है आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। बहुत आराम से आपका लाइक एक एल शेप का बड़ा वाला सोफ़ा आ जाएगा प्लस लाइक 3 सीटर आप जैसा भी डालना चाहो वो इजीली आ जाएगा और एग्जैक्टली उसके लाइक सोफे के पीछे वाला जो सेक्शन है उसके पीछे एग्जैक्टली जो कॉमन वाला वॉशरूम है एंड वॉशरूम का भी आप देख सकते हो टाइल्स वगैरह फिटिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है एंड ये वाले फ्लैट पर आपको एक ओपन वाला यूटिलिटी मिल रहा है। एक ही बालकनी है, ये वो वाला फ्लोर प्लान है जिसपे एक सिंगल बालकनी आपको मिलेगा जो बालकनी की डाइनिंग के साथ अटैच्ड है। बट ये बस आप देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि फर्निशिंग के बाद कैसा लगेगा एंड साइज़ कैसा रहेगा बालकनी वगैरह का। तो साइज़ हमें बहुत अच्छा लगा एंड बालकनी का टाइल्स भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, वुडन टाइल्स डला हुआ था एंड उसका वॉल भी अच्छा लग रहा था, कुछ टेक्सचर टाइप का जो वॉल था बालकनी का। तो ये था एंड चलो अभी देखते हैं बाकी जो बेडरूम्स वगैरह एंड ये सामने पे यहाँ पे उनका जो बैडमिंटन कोर्ट वगैरह वो सब आने वाला है जिसका काम अभी चल रहा है फिलहाल। तो फ्लैट्स देख लेते हैं एंड डाइनिंग की जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है जिसपे कि आराम से एक 8 सीटर का सोफ़ा आप डाल सकते हो एंड ये हो गया किचन का साइज। किचन भी लाइक ओके, बहुत बड़ा भी नहीं है कि बहुत छोटा भी नहीं है एंड यहाँ पे आते ही एक यूटिलिटी है जहाँ पे आप लाइक वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हो, चाहे तो कपड़ा वगैरह भी सुखा सकते हो क्योंकि ओपन वाला यूटिलिटी है तो उस पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी चलते हैं फिलहाल बेडरूम्स के तरफ। तो पहले चलते हैं ये वाला जो बेडरूम है, ये वाला जो सेकेंड वाला बेडरूम है एंड इसका जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। साइज़ है जो रूम का 11x12 है एंड एक आराम से यहाँ पे किंग साइज़ का बेड डाला है, उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। वार्डरोब पे आ रहा है आराम से एंड बेड एंड जो वार्डरोब है ना उसके बीच पे भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है वॉक करने के लिए इजीली एंड दो साइड टेबल भी आराम से डल जाएगा। देन आते हैं हम मास्टर बेडरूम पे एंड मास्टर बेडरूम पे जैसे कि मैंने बोला था इनका लाइक वुडन फ्लोरिंग है। ये बहुत दोनों ही जो प्रोजेक्ट है अभी नक्षत्रा एंड अभी सिलिकन दोनों पे ही आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे हाँ आपको एक ही ऑप्शन है, यही वाला आप डाल सकते हो, बट आप कस्टमाइज करा सकते हो खुद के हिसाब से, बट जो बाय डिफॉल्ट मिल रहा है वो यही वाला फ्लोरिंग है वुडन एंड या इसका भी साइज ठीक है, डिसेंट है। वार्डरोब भी आ रहा है आराम से, यहाँ पे एक टीवी यूनिट भी है, साइड पे थोड़ा दो लाइक बेड साइड टेबल भी आ जाएगा एंड इस पर जो है और एक जो वॉशरूम है वो अटैच्ड है एंड वॉशरूम का साइज जो ये वाला मास्टर बेडरूम का है ना बहुत बड़ा है, आराम से मतलब आपको इजीली आप चाहो ना अंदर पार्टीशन करा सकते हो ग्लास का भी एंड इसका भी फिटिंग्स वगैरह आप देख सकते हो, सब कुछ फिटिंग्स वगैरह बहुत डिसेंट है, अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया, अभी चलते हैं इसका जो 2 या 3 बालकनी वाला कोई जो फ्लैट अवेलेबल होगा ना वो मैं आपको एक दो दिखा लूँगी तो वो देख लेते हैं। तो अगेन ये हम और एक 2 BHK पे आए हुए हैं, बट ये अभी कुछ कुछ जो खाली था इसका अभी चल रहा है काम एंड एंटर करते हैं। एंटर करते हैं आप देख सकते हो लिविंग रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली साइज़ तो मुझे पता नहीं है बट बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब जो सिर्फ लिविंग ही था ना उस पर डाइनिंग एंड सोफ़ा दोनों ही आ जाए एंड सेपरेटली किचन के फ्रंट पे यहाँ पे और एक डाइनिंग का भी स्पेस था जो कि बहुत ही बड़ा स्पेस है एंड यहाँ किचन भी मतलब बहुत बड़ा है, आराम से इसका
का जो स्पेस था मुझे बहुत अच्छा लगा, बट इसका जो यूटिलिटी था वो क्लोज था, वो ओपन वाला यूटिलिटी नहीं था। आप चाहो तो यूटिलिटी को भी किचन के साथ पूरा लाइक बड़ा वाला किचन पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। और अभी आते हैं बेडरूम पे। बेडरूम पे आप इस ये वाला अभी फ्लैट लाइक किसी को अभी मतलब बुक नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे अभी वुडन फ्लोरिंग नहीं हुआ है। डिलीवर करते टाइम वो लोग आपको वुडन फ्लोरिंग जो है वो बनवा के देंगे। इस वाले बेडरूम का भी आप साइज़ देख सकते हो कि कितना बड़ा है अगैन। एंड वॉशरूम एज इट इज़ जैसे हमने देखा था नीचे वैसा ही है, बहुत बड़ा वॉशरूम है अगैन इसका। एंड ये वाले बेडरूम पे आपको एक बालकनी मिल जाएगा यहाँ पे। ये वाला बालकनी थोड़ा सा नैरो है बट हाँ बहुत ज़्यादा लंबा है बालकनी। एंड इसके राइट हैंड साइड पे आपको डाइनिंग पे भी एक बालकनी मिल जाएगा, ये वाला जो बालकनी यहाँ से आप देख पा रहे हो। तो चलते हैं अभी दूसरे साइड पे। तो बेडरूम से निकलते ही जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको एक जो कमन वाला वॉशरूम है वो मिल जाएगा। एंड सेम है जैसे वो वाला मास्टर बेडरूम का था, बस जब ये आप किसी को वो लोग डिलीवर करेंगे तब इस पर बस बाथरूम फिटिंग्स लगा के देंगे। एंड इस वाले बेडरूम पे नॉर्मली जैसे टाइल्स वाइट कलर का है। एंड सॉरी जैसे मैंने पहले बोला था इसका डाइनिंग पे बालकनी नहीं है, ये दोनों ही बालकनी जो है दो बेडरूम पे है, एक मास्टर बेडरूम पे एंड एक सेकेंड बेडरूम पे। बट ये वाला बालकनी थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है बट साइज पे थोड़ा सा छोटा है लेंथ वाइज, बट या सेम है दोनों बालकनी। एंड चलो अभी निकलते हैं, ये वाला फ्लैट हो गया और एक फ्लैट आपको मैं दिखा लूँगी। तो अगेन ये वाले फ्लैट पे आए हुए हैं हम लोग। ये वाला अगेन 2 BHK का ही है और एक फ्लैट, बट इस पर आपको 3 बालकनी मिल जाएगा दोनों दोनों बेडरूम पे एंड और एक डाइनिंग पे। तो एंटर करते ही पहले ये वाला जो स्पेस था लिविंग एरिया का था एंड उसके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आ रहा है किचन। किचन अगेन बहुत बड़ा है, आप आराम से एल शेप का यहाँ पे बना सकते हो किचन। एंड जैसे ही यहाँ पे भी यूटिलिटी, पहला वाला जो हमने फ्लैट देखा था वैसे ही एक क्लोज वाला यहाँ पे यूटिलिटी है, बट हाँ अगर चाहो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किचन पे भी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 बालकनी मिल रहा है आपको ये वाले फ्लैट पे। यहाँ पे किचन के सामने आ गया, बट डाइनिंग एंड इसका जो स्पेस है वो इस तरफ है, मतलब एल शेप का है जो डाइनिंग एंड जो लिविंग का स्पेस है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड एग्जैक्टली ये वाला जो उसके डाइनिंग के लेफ्ट साइड पे ये है मास्टर बेडरूम। एंड इसमें भी एक अटैच वाला वॉशरूम है, वैसे यहाँ पे अभी टाइल्स वगैरह नहीं डाला है, जब वो लोग डिलीवर करेंगे वो लोग यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग बना के देंगे। तो ये हो गया। एंड इस पे भी अगेन आ गया एक बालकनी। एंड इस पे आपको ये है कि तीनों ही बालकनी एक साइड पे है। ये हो गया पहला मास्टर बेडरूम का बालकनी एंड उसके राइट हैंड साइड पे एक है जो लाइक डाइनिंग का बालकनी एंड उसके राइट पे होगा अब जो सेकंड वाला बेडरूम का बालकनी। बट यहाँ से अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि बीच में पार्टीशन है, तो ऑफकोर्स आपको प्राइवेसी का कोई इशू नहीं होगा, ताकि कोई लिविंग से बालकनी से निकल रहा है तो या फिर आप निकल रहे हो बेडरूम से तो आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो अगेन ये वाला भी बालकनी सेम ही है, साइज़ तीनों का ही जो साइज़ है कुछ ये 4.5x11 के आसपास आ रहा था तीनों का जो बालकनी का साइज़ था। एंड ये हो गया अगेन उसका सेकेंड बेडरूम। एंड इसका जो है बेडरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। वार्डरोब बनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहेगा, वही देख रहे थे हम लोग। बेडरूम का साइज़ जो ऑलमोस्ट सभी का साइज़ है वो सब कुछ 11x12 के ऊपर ही है, कुछ कुछ लाइक 12x13 12x14 भी है। तो इसीलिए बेडरूम के लिए कोई साइज इशू नहीं है, रूम जो भी है जितना भी है बहुत स्पेशियस है घर पूरा। सो गाइस अभी हम लोग निकल गए जो अभी का नक्षत्र वाला जो प्रोजेक्ट था वहां से, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पास में ही जो है जो कि एक्चुअली हमने देखा था जो अभी सिलिकॉन है इससे एग्जैक्टली 100 मीटर राइट डिस्टेंस, हाँ 50 मीटर 50 मीटर हाँ, वो तो बहुत ही क्लोज है, मतलब पास में ही है। दैट्स व्हाई वी थॉट कि आए हैं तो एक ही साथ देख लेते हैं, क्योंकि उनका जो सीपी भी है वो हमारे साथ है, तो दैट्स व्हाई वी थॉट कि चलो एक ही साथ आए हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो चलो वो भी देख लेते हैं क्योंकि वो अभी काम चल रहा है, उसका जो पोजिशन है 2023 December राइट करेक्ट। तो चलो लेट्स सी वो एक बार देख लेते हैं। तो पहुंच गए हम यहाँ पे अभी सिलिकॉन श्राइन पे एंड ये उसका एंट्रांस है, आप देख सकते हो एंटर करेंगे। एंड या यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाए क्योंकि ये थोड़ा सा ऑब्वियसली बड़ा प्रोजेक्ट है, वो लगभग 70 फ्लैट्स था उसमें एंड यहाँ पे कुछ अप्रॉक्स 300 फ्लैट्स रहेगा। एंड बाद में भी और एक ब्लॉक बनाने का इन लोगों का प्लान है जो कि 2025 को डिलीवर होगा जो कि उन लोगों ने बोला हमें। तो चलते हैं एंड चलो डिटेन का जो है ऑफिस है यहाँ पे और एक ब्लॉक आने वाला है बाद में, तो चलो चलते हैं एंटर करते हैं एंड देखते हैं क्या है क्या नहीं एंड मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ।
तो ये हो गया उनका जो प्रोजेक्ट्स का, लाइक आप देख सकते हो पूरा जो प्लान है किस तरह से होने वाला है, जो प्रोजेक्ट जो बाद में जो ब्लॉक आने वाला है जो मैं बोल रही थी वो इस जगह पे आएगा फ्रंट पे, जो ग्रीन एरिया आप जहाँ पे देख पा रहे हो, तो वो अभी फ़िलहाल प्लान मतलब है, बट उसका कोई फ्लोर प्लान वगैरह अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो ये हो गया, यहाँ पे आपको कुछ तीनों ब्लॉक मिल जाएंगे। सामने एक छोटा वाला ब्लॉक है जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला एग्जैक्टली, एंड उसके पीछे और दो ब्लॉक है। तो यहाँ से जो उसका मेन रोड से इसका जो एंट्रांस है जहाँ से हम आए, एंड जो कि अभी लाइक जहाँ पे उनका ऑफिस है वहाँ पे पूरा जो पहला वाला जो ब्लॉक है वो आने वाला है, एंड उसके पीछे यहाँ पे और दो जो ब्लॉक है ये हो गया। एंड इसका जो पूल है वो पूरा सेंटर पे आएगा, पूरा बीच में ही, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लान किया हुआ है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हो गया ओवरऑल जो उनका जो प्लान है प्रोजेक्ट का। तो अभी चलते हैं और जो मॉडल हाउस वगैरह देख लेते हैं, तो उससे आपको फ्लोर प्लान वगैरह की आइडिया आ जाएगी, पता चल जाएगा। तो पहले मैं जो मॉडल फ्लैट आप लोग को दिखा रही हूँ ये एक 3 BHK का है मॉडल फ्लैट। तो एंटर करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर जो लिविंग एंड डाइनिंग जो है 7 पे अटैच्ड है। तो पहले यहाँ पे एक एल शेप का सोफ़ा डला हुआ है, एंड डलने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है रूम, उसी से आइडिया हो रहा है। एंड उसके एग्जैक्टली फ्रंट पे आ रहा है डाइनिंग का सेक्शन, एंड अगेन यहाँ पे एक राउंड कलर लाइक राउंड का 6 सीटर वाला डाइनिंग है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हो चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्पेस है कन्वीनियंटली, जैसे कि आप वर्क कर सकते हो। एंड डाइनिंग पे एक अटैच बालकनी आ रहा है, एंड डाइनिंग के जो राइट हैंड साइड पे है किचन पे हम चलेंगे, बट उससे पहले थोड़ा बेडरूम वगैरह देख लेते हैं कैसा है क्या नहीं। तो पहले हम चलते हैं किड्स वाले बेडरूम पे। तो ये हो गया किड्स बेडरूम, मतलब जो कि सेकेंड बेडरूम है, एंड ये जो रूम का भी साइज है काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे 2 सिंगल बेड डला हुआ है, उसके बाद भी बीच में आप देख सकते हो एक स्टडी टेबल है, एंड फिर भी वर्क करने के लिए काफ़ी स्पेस है। एंड इस रूम पे अगेन एक लाइक अटैच वाला जो वॉशरूम है, एंड वॉशरूम का भी जो फिटिंग्स वगैरह है वो भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, एंड स्पेशली मुझे इसका जो टाइल्स का जो कलर कम्बिनेशन ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम चलेंगे थर्ड बेडरूम पर, बट उससे पहले यहाँ पर जस्ट लेफ्ट साइड पर सेकेंड बेडरूम से निकलते ही यहाँ पे जो कॉमन वाला वॉशरूम आ जाएगा। अगेन ये और एक आपके पास ऑप्शन है, ये और एक स्टाइल का जो टाइल है जो कि उनके पास अवेलेबल है, तो आपको जो भी मन करे आप डलवा सकते हो, वो वाला चाहे तो वो, एंड ये वाला चाहे तो ये। ये हो गया फिटिंग्स वही सेम है, टाइल्स बस आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एंड ये हो गया वो थर्ड वाला बेडरूम, एंड यहाँ पे एक एंटर करते एक छोटा सा यहाँ पे क्वीन साइज का बेड है, क्योंकि ये वाला जो रूम है थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिवली जो किड्स बेडरूम है उससे भी, मतलब जो सेकेंड बेडरूम है उससे भी। तो अगेन बट इस पर एक बालकनी है टच वाला बालकनी, एंड बालकनी का भी जो टाइल्स था उसका जो लाइक कलर कम्बिनेशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एंड बालकनी इज ऑल्सो क्वाइट स्पेसियस, आराम से यहाँ पे 3-4 लोग बैठ सकते हैं वैसा वाला साइज था। तो हो गया ये वाला रूम, अभी चलते हैं फिलहाल मास्टर बेडरूम के तरफ। तो एंटर करेंगे इसके मास्टर बेडरूम पे, एंड यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हो वैसा ही वुडन फ्लोरिंग है जैसा कि हमने पहले देखा था अभी नक्षत्र पे, सेम उसी तरह का वुडन फ्लोरिंग मिल रहा है आपको यहाँ पे भी। एंड ये जो मास्टर बेडरूम है ना इसका साइज आप देख सकते हो कितना बड़ा है, यहाँ पे क्वीन साइज का बेड डला है, एक बड़ा सा वार्डरोब बना है, टीवी यूनिट बना है, उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस मिल रहा है, आप इजीली यहाँ पे एक ना किंग साइज का बेड डाल सकते हो, उसके बाद भी साइड टेबल 2 ऐड कर सकते हो। एंड ये हो गया उसका जो अटैच वाला वॉशरूम मास्टर बेडरूम का, तो इसका भी साइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं कि किसी भी बाथरूम का साइज यहाँ पे ना बहुत ही क्वाइट गुड, मुझे साइज सब कुछ बहुत अच्छा लगा, चाहे बेडरूम का हो या वॉशरूम का, साइज पे यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो अभी चलेंगे हम किचन की तरफ, ये जो किचन था ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस था, इनफैक्ट ये तो मुझे एक और एक बेडरूम जितना साइज लग रहा था। तो ये हो गया यहाँ पे एक बड़ा सा एल शेप का काउंटर था, अगेन इसका जो यूटिलिटी था ये वाला जो मॉडल फ्लैट का इसका यूटिलिटी अंदर ही था, मतलब किचन के साथ ही था, बट ये सर डिज़ाइन पे था कि पता नहीं चल रहा था, बट इसका जो यूटिलिटी है अंदर ही है, बट इसको एक बड़ा किचन में कन्वर्ट कर दिया है उन लोगों ने। तो इस तरह से ही है कुछ ये वाला जो फ्लोर प्लान है। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल आए, एंड जैसे कि आप लोग को दिखा लिया सब दोनों ही, अभी शिलिकन भी अभी नक्षत्र भी, तो चलो घर जा रहे हैं हम लोग। फिर घर जाने के बाद और भी जितना वगैरह डिटेल्स वगैरह है लाइक पर स्क्वायर फीट प्राइस क्या है क्या नहीं वो सब कुछ बैठ के आराम से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। गाइस घर आ गए वापस, एंड
कम टू द लाइक पॉइंट, और अब जो प्रॉपर्टी हमने देखा उसका जो पर स्क्वायर फीट प्राइस वगैरह क्या है सब कुछ। पहले तो जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी जो है लोकेशन वाइज बहुत अच्छी लोकेशन पे है। ये शारजापुर जो विप्रो, विप्रो जो नया वाला जो विप्रो है वहाँ से लाइक लगभग 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास है। एंड भरतूर से भी नजदीक है, लोकेशन वाइज काफी अच्छा है। भरतूर से भी वही 4 किलोमीटर बीच में है। हाँ, तो लोकेशन वाइज कन्वीनियंट है सब, हर जगह के लिए लाइक कम्युनिकेट करने के लिए सब जगह को। एंड इसका अगेन इनका भी 2 BHK एंड 3 BHK था, तो 3 BHK भी दिखाया मैंने आपको। हमें जो अभी मैं बात जो कर रही हूँ अभी सिलिकॉन का, राइट? हाँ, क्योंकि वो वाला नक्षत्र बहुत का प्राइस बहुत आर सेम, क्योंकि ये अभी जो प्रोजेक्ट है ऑनगोइंग चल रहा है, बट जो दूसरा है नक्षत्र वाला वो जो पहले दिखाया मैंने वो ऑलरेडी रेडी टू मूव, दैट्स व्हाई उसका प्राइस भी सेम ही है। मतलब अगर किसी को रेडी टू मूव चाहिए तो आप लोग जाके उनके पास आई थिंक 8 और 9 फ्लैट है। आप दोनों प्रॉपर्टी लाइक कंपेयर करोगे देन ऑफ कोर्स अभी सिलिकॉन इज द बेस्ट वन, यस, एमिनिटीज वाइज, स्पेस वाइज। बड़ा वाला प्रोजेक्ट है क्योंकि 300 फ्लैट अगर आएगा वहां पर एंड यहां पर ओनली 65 फ्लैट 2 BHK है उसपे 2 बालकनी नहीं है, यहाँ पे आपको 3 BHK में 3 बालकनी मिल जाएगा, 4 बालकनी भी मिल जाएगा, बट 2 BHK में सिर्फ 1 ही बालकनी है। वो एक मुझे डिमेरिट लगा मेरे लिए, किसी को अगर 1 बालकनी से लाइक मुझे हमें चाहिए 2 बालकनी, एक मास्टर बेडरूम में अटैच बालकनी एक चाहिए और एक हॉल पे या कहीं पे डाइनिंग है कहीं पे भी चलेगा, तो वो। एंड इसका बात करते हैं प्राइस की, इसका जो बेस प्राइस है 5,250 रुपीज, ये पूरा बेस 5250, ये जो पूरा बेस प्राइस है। उसके बाद जो जैसे नल रहता है स्टार्टिंग हो रहा है एंड अराउंड 1600 तक है 3 BHK मिला के बोल रहे हो ना? यस, 2 और 3 स्टार्टिंग से एंड तक मैं बोल रही हूँ। उसी हिसाब से आप स्क्वायर फीट कैलकुलेट कर लो एंड उसके ऊपर आप 8 to 10 lakhs एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। 2 BHK में 8 विल कम अराउंड 8 lakhs ज्यादा आएगा एंड 3 BHK में 10 लाख के आसपास आएगा, क्योंकि आपका एमिनिटीज रहेगा उसमें, बेसमेंट पार्किंग का रहेगा, पावर बैकअप का रहेगा, GST रहेगा, GST भी एक्स्ट्रा है, तो ये सब मिला के आपको 8 to 10 lakhs तो एक्स्ट्रा आएगा ही आएगा, ये मतलब बेस प्राइस को छोड़ के। और बेस प्राइस विदाउट एनी लाइक जो नॉर्मल हाउस बोल रहे हैं हम, सिर्फ बाथरूम फिटिंग के साथ, इंटीरियर फिर आपको आपके हिसाब से जैसे करना तो सबका रहता है, पर हमें प्राइस बहुत ज्यादा लगा जो कि हमें 2 BHK का, 2 BHK नहीं, 2 BHK तो हमें अच्छा नहीं लगा, जो 3 BHK हमें एक अच्छा लगा उसका हमने कोटेशन लिया लाइक जो कि विथ 2 टॉयलेट है, मतलब छोटा वाला 3 BHK है, मतलब 2.5 स्क्वायर फीट ना, हाँ, जो कि एज ए लाइक 2.5 आप सोच सकते हो, बट बेडरूम का साइज दोनों ही लाइक अच्छा है, जो मास्टर बेडरूम का कुछ 11x30 एंड दोनों बाकी जो बेडरूम से 11x11 है ऐसा ही, बट उसका जो कोटेशन हमने लिया इट अराउंड 93 लाख के आसपास, तो उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो। ये जो स्क्वायर फीट हम बोल रहे हैं 1460 से कम था, बट लोकेशन वाइज अगर किसी को अगर चाहिए मतलब अच्छा वाला फ्लोर प्लान के हिसाब से 3 BHK जा सकते हो। बहुत सारे ओडिया लोग, ओडिया कम्युनिटी वहाँ पर बहुत सारा है, और सबसे मेन पॉइंट है वहाँ पर 70% बुकिंग खत्म हो गया है, ओनली 30% बुकिंग है, तो वो BDA अप्रूव्ड भी है, तो आप लोग आराम से, ये थोड़ा सा प्राइस जो है ज्यादा है, तो अगर हाँ किसी को चाहिए मतलब ये लोकेशन में लाइक जो लोकेशन हम लोग आपको दिखाए वो लोकेशन में भरतू के पास और ऑलमोस्ट लाइक शाजापुर के भी पास और मंगला भी पास हो जाएगा, माराथली भी पास हो जाएगा, ITPL व्हाइटफील्ड भी पास हो जाएगा, करने के लिए बहुत इजी रहेगा, तो अगर किसी को चाहिए तो आप लोग जाके आराम से देख सकते हो। अभी सिलिकॉन जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक ही मतलब अगर किसी को हाई राइज चाहिए, हाई राइज ये नहीं है, G+4 ही है और आई थिंक 3 ब्लॉक उनके वहाँ पर है, तो है, एमिनिटीज भी अच्छा खासा है, मतलब सब कुछ मिल रहा है एमिनिटीज, तो इट्स लाइक गुड प्रोजेक्ट।
हमारे लिए गुड प्रोजेक्ट है, आप जाके देख सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो। तो वही, एंड अगर और भी कुछ आपको प्रॉपर्टी देखना है, ऑलरेडी पहले से मेरे चैनल पे एक आधी प्रॉपर्टी है जो कि मैं आई बटन पे डाल दूंगी, तो आप चाहो तो वो चेक कर सकते हो। एंड और अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में आप जानना चाहते हो देन मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हो, विल डेफिनेटली ट्राई कि हम वो भी जाके एक्सप्लोर करें, आपको लाइक हमारे तरफ से जो भी हो पाए बेस्ट डिटेल्स दे सकते हैं। तो चलो, और किसी ने कमेंट भी किया था कहीं पर जाने के लिए, हम लोग ट्राई करेंगे कभी वीकेंड में हम लोग जाएंगे वो वाला प्रोजेक्ट देखने के लिए, तो डेफिनेटली अगर वो जाएंगे आपको भी मिल जाएगा उसका एक्सप्लोर, आपको भी आप भी देख सकते हो वो प्रोजेक्ट का डिटेल्स। तो चलो सबसे गाइस ये जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं, आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा थोड़ा सा भी, तो एक लाइक कर देना एंड आप लोगों की फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना जिसी को लाइक इस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए। एंड चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय।